कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे लाइव सेशन में आने के लिए। एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो कि मेरा स्क्रीन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है और क्या मेरा वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं। ओके क्लियर है। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई नीचे यहाँ पर लिखा आ रहा है कि सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड यूज बेल आइकॉन। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकॉन को यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन जो भी वीडियो मैं आने वाले दिनों में अपलोड करने जा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। और ये नेक्स्ट वीक से ये आने वाले वीक से मैं डेली एक स्टॉक के ऊपर मेरा वीडियो बनाऊंगा, लाइक पहले जो मैं बनाता था। लाइक आप देख रहे हो बहुत सारे स्टॉक के ऊपर मैंने इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस आपको बेचता था मैं पहले। ठीक है, ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। बेल आइकॉन जरूर दबा लो। और ये मेरा फेसबुक पेज भी है, भूल साए संकेत बगड़िया। अगर आपने ये पेज भी लाइक नहीं किया है तो ये पेज भी आप लाइक कर लो, ताकि अन्य शेयर मार्केट से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी मैं ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ उसके रिव्यूज़ भी मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो ये रिसेंटली जो भी रिव्यूज़ थे वो यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों ये रिव्यू। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मुझे क्वेरी दिखाई दे रहा है वो है सवाणी हसमुख अबाउट बैंक ऑफ बड़ौदा। आपने बाय किया है 105 में, क्या करेंगे अभी। दोस्तों अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय किया हुआ है तो कहाँ पर बाय किया हुआ है वो भी मेंशन करो, और कितनी क्वांटिटी में बाय किया है एक बार वो भी मेंशन करो दोस्तों। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने बाय किया हुआ है 105 में, और अभी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 104.25 का। वीकली चार्ट्स लुक्स गुड, वीकली चार्ट लुक्स गुड, लेकिन आपने थोड़ा गलत जगह पर बाइंग किया हुआ है। वीकली चार्ट्स के ऊपर क्लियर कट बाइंग क्रिएट हुआ है 94 के आसपास, और स्टॉक वहां से एग्जैक्टली बाउंस दिखा रहा है। मेरे हिसाब से आपने 105 पे लेके रखा है। जब तक स्टॉक 107 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी आपको, तब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। और 112 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है दे रहा है कि वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा, 112 एंड 117। किसी को भी बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर बाइंग करना है तो मेरे हिसाब से अगर लोअर लेवल आते हैं तो वहां पर भी उनको मतलब बाइंग किया जा सकता है। लाइक 98 के आसपास 50% क्वांटिटी एंड 50% क्वांटिटी 95 के आसपास, और फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 94 का। आपने जहां पर बाय किया हुआ है वहां पर रिस्क रिवर्ड रेशियो ठीक नहीं है। ठीक है सवाणी हसमुख, आपको रिस्क वहां पर ही उठाना चाहिए जहां पर आपका रिस्क मिनिमम हो। मेरे हिसाब से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लोअर लेवल दिखाता है तो 98 के आसपास 50% क्वांटिटी खरीद बाय करो, और 95 के आसपास आप 50% क्वांटिटी बाय करो, और उसके बाद 94 का स्टॉप लॉस लगा लो। और हायर साइड भी मैंने आपको बताया दो लेवल्स, 112 एंड 117 के आसपास जैसे ही स्टॉक्स आता है मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, आपकी एंट्री गलत है। प्लीज गाइड ऑन IDFC बैंक डॉट 2000
नंबर सेट 44, टू डेज बैक, दो दिन पहले आपने बाय किया है, माय प्ले, ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि स्टॉक 47 तक आने वाले दिनों में आराम से जा सकता है, स्टॉक 47 तक आने वाले दिनों में आराम से जा सकता है। सो मेरे हिसाब से आपने बाय किया है, ठीक है, लेकिन हाँ, दो दिन पहले आपने बाय किया है तो बहुत ही अच्छी जगह पे आपने बाइंग किया हुआ है। अगर किसी और को भी बाइंग करना हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ 43.50 में बाय करो, लेकिन मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको भी वही देता हूँ, 41.50 का मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ। इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। 47 इज योर फर्स्ट टारगेट, 47 के ऊपर सस्टेन होता है स्टॉक्स, तो आराम से ये स्टॉक्स 48.50 तक और 48-49 तक के लेवल्स दिखा सकता है आपको। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 47 आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर 47 के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक 49-50 तक भी जा सकता है आराम से। सो नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि 40 जिस तरह से इसका ट्रेंड टोटली साइडवेज हो गया है अभी, तो 47 के आसपास स्टॉक्स आता है तो वहां पर थोड़ा रुक भी सकता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ मुझे यहां पर बाइंग दिखना चाहिए, तभी ये स्टॉक्स आगे बढ़ने के लिए रेडी है, ठीक है। और किसी को भी फ्रेश बाइंग भी करना है तो 43.50 पे बाइंग करे और 41.50 का स्टॉप लॉस लगा ले, 2 रुपए का रिस्क है दोस्तों। यस बैंक दोस्तों 42 के आसपास क्लियर कट मेरा बाइंग सिग्नल था। यस बैंक के अंदर यहां पर 42 के आसपास आपको क्लियर कट बोला था जब स्टॉक यहां पर ट्रेड कर रहा था तब, तो एग्जैक्टली वहां से आप देख रहे हो तो यहां तक ये स्टॉक गया था 53 तक, तो ऑलमोस्ट 25% रिटर्न हुआ दोस्तों। ये कोई कम रिटर्न थोड़ी है, 25% क्या चाहिए आप लोगों को। 2-4 दिन में स्टॉक डबल नहीं हो सकता दोस्तों, इतना रिटर्न मिला कितने दिनों में मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों में 25% का रिटर्न, और क्या चाहिए दोस्तों आपको। अभी यस बैंक के ऊपर कोई भी लेवल्स नहीं है, जब तक 55-56 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, छोड़ दो यस बैंक को भी, क्यों पीछे पड़ चुके हो यस बैंक के। अगर आपको आता नहीं है तो पहले सीखो किस तरह से बाइंग या सेलिंग होती है शेयर मार्केट में, और उसके बाद फिर काम करो दोस्तों। यस इरफान सैयद, हाउ इज अ फाइन ऑर्गेनिक, कैन वी एंटर फॉर अ लॉन्ग टर्म एंट्री नाउ, ओके। फाइन ऑर्गेनिक, एंड दोस्तों जो भी लोग से सेशन देख रहे हो प्लीज लाइक कीजिए मेरे सेशन को, ऑल ऑफ यू प्लीज लाइक माय दिस सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। यस फाइन ऑर्गेनिक में आपको लंबे समय के लिए बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, लेट्स सी। या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही ट्रेंड बहुत ही अच्छा है फाइन ऑर्गेनिक का, सो लेट्स गो फॉर अ वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हम एंट्री मिस कर चुके हैं इस स्टॉक की। इस स्टॉक में 1800 के आसपास बहुत ही अच्छी एंट्री थी, लेकिन वो एंट्री हम मिस कर चुके हैं। और अभी जिस तरह का इसमें मूवमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अच्छी एंट्री नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को भी अभी बाय करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी एंट्री थी जो एंट्री हम मिस कर चुके हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक में अभी मेरा व्यू ऐसा है कि जब तक ये स्टॉक्स 2050 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक उसमें कोई भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स ऐसे ही साइडवेज घूमता रहेगा,
तो अगर लोअर साइड फिर से आते हैं तो 1800 के आसपास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसके अंदर प्ले करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को इसके अंदर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से 1900 के आसपास आप 50% क्वांटिटी बाय कीजिए एंड अनदर 50% क्वांटिटी आपको बाय करना है 1800 के आसपास, और फिर फाइनली आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1750 का। अगर आपको इतना रिस्क उठाना है तो डेफिनेटली आप फाइन ऑर्गेनिक में काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ 2050 के ऊपर का जब तक क्लोजिंग नहीं आता है इसके अंदर स्ट्रेंथ हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे मैं जब भी देखता हूँ तो हम एंट्री मिस कर चुके हैं। अगर कोई भी वजह से लोअर लेवल्स आते हैं 1800 के आसपास तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर बाइंग करने के लिए। ठीक है, यस विकास प्रणव, आवास फाइनेंस एंट्री लेवल, आवास फाइनेंस। प्लीज स्पेलिंग ठीक से लिखिए दोस्तों आप लोग। यस मस्तक अली सैयद, मनाली पेट्रो, 5 से 6 साल का टाइम है, कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए? मनाली पेट्रो। मनाली पेट्रो का हायर टाइम फ्रेम पे हम चार्ट देखते हैं, क्लियर कट चार्ट डाउन ट्रेंड में है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि मनाली पेट्रो का चार्ट टोटली डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर किसी को भी बाइंग करना होए इसके अंदर, मेरे हिसाब से 15 रुपए के आसपास बहुत ही अच्छे लेवल्स थे, और एग्जैक्टली आप इस कैंडल का लो देखोगे तो 15.65 रुपीज़ है। हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कुछ भी ठीक नहीं है और ये टोटली डाउन ट्रेंड स्टॉक है, टोटली डाउन ट्रेंड। और लोअर टाइम फ्रेम की भी मैं बात करूँ, लोअर टाइम फ्रेम में भी अभी जब तक ये इसके ऊपर का क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिलता है 19 रुपीज़ के ऊपर का, तब तक इसके अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी दोस्तों। 19 रुपीज़ के ऊपर का क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर आपको मनाली पेट्रो में एक बार फिर से मैं हायर टाइम फ्रेम देखता हूँ तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 14 रुपए के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे जाए। अगर वो नीचे जाता है तो 10 रुपए के नीचे भी आपको ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपके लिए मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है इसके अंदर तो मैं आपको दो लेवल्स बताता हूँ। 30% क्वांटिटी आपको बाइंग करना चाहिए 17.30 के आसपास, 17.30 के आसपास आप 30% क्वांटिटी बाय करो एंड रिमेनिंग जो भी क्वांटिटी है 70% वो 16 रुपए के आसपास मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, और फिर 15 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और दोस्तों ये एंट्री ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, 16 रुपए के आसपास से ही स्टॉक ने बाउंस दिखाया है और अभी 18.55 तक ये स्टॉक्स पहुंच गया है। मेरे हिसाब से आपको 70% क्वांटिटी
30% क्वांटिटी 17.30 एंड 70% क्वांटिटी 16 रुपए के आसपास आपको बाय करना है, और फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो है 15.50 का, या 15 रुपए का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 15 रुपए का स्टॉप लॉस ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, ठीक है। तो आपने एक चीज नोट करती है किया है दोस्तों कि जब भी आप जो स्टॉक्स बोलते हो मैं एग्जैक्टली उसी लेवल नहीं होते हैं, थोड़े लेवल्स दूर होते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और जहां पर मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली आपको वहां पर ही बाइंग करना चाहिए दोस्तों, अगर स्टॉक्स आता है तो। अगर नहीं भी आता है तो हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं, हम कोई भी स्टॉक के अंदर काम कर सकते हैं दोस्तों। दीपू तुमने कहाँ पर बाइंग किया हुआ है वो नहीं लिखा है, सो मैं आपका कोई भी क्वेरी नहीं सॉल्व करूँगा। आपको लिखना चाहिए कि कहाँ पर आपने बाय किया हुआ है, ठीक है। तुमने लिखा है कि मैंने बाय कर लिया है, तुम्हारा व्यू क्या है, ऐसे नहीं होगा। ओके यस जयेश मेहता, इंडसन बैंक एंड कोटंग बैंक, योर व्यू फॉर जनवरी फॉर ट्रेडिंग। ओके, एक महीने के लिए आपको व्यू चाहिए इंडसन बैंक। ओके, आई विल टेक योर इंडसन बैंक। तो इंडसन बैंक का चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, लोअर टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। सो मेरे हिसाब से इंडसन बैंक में बहुत ही अच्छे लेवल्स थे 1400 के आसपास, और एग्जैक्टली यहाँ से ये स्टॉक्स बाउंस दिखाना स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी भी और भी एक अच्छा लेवल है। सो इंडसन बैंक में दो लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15.50 एंड अनदर लेवल इज अराउंड 15.75 और 1550। सो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडसइंड बैंक के लिए। अगर इसके ऊपर हमें ये सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो ये स्टॉक्स आराम से 1640 तक आराम से जा सकता है। सो तीन लेवल है इंडसइंड बैंक में, पहला लेवल है 1550, अनदर लेवल इज 1575 एंड अनदर लेवल इज 1640। सो ये तीन लेवल पे जब भी स्टॉक्स आएगा तो वहां पर थोड़ी ब्रेक लग सकती है, और लोअर साइड की मैं बात करूं, तो लोअर साइड में बहुत ही अच्छे लेवल है अराउंड 1430 के आसपास। सो मेरे हिसाब से अगर किसी को भी इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाना है तो लोअर लेवल आता है 1430 के आसपास, वहां पर ही बाइंग करना चाहिए। और किसी को बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना है तो वो 1500 पे भी बाइंग कर सकता है, 1500 पे बाइंग करे और 1485 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सो 15 रुपए का रिस्क लेना है आपको इंडसइंड बैंक में तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, लेकिन ये मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू आपको दे रहा हूँ इंडसइंड बैंक का। ओके जस्ट होल्ड ऑन फ्रेंड्स, अभी टोटल 18 लोग सेशन देख रहे हैं और आप सिर्फ 9 लोगों ने ही लाइक किया है। लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों मुझे, लेकिन ये आपका माइंडसेट दिखा रहा है कि आप कोई आदमी हेल्प कर रहा है आपकी, सो आपका व्यू क्या है उसके ऊपर, कि आपको उसका सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है वो दिखाता है दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लाइक करने से कोई किसी को पैसे नहीं मिलते हैं। जो भी आदमी आपके लिए
टाइम निकाल के आपको एडवाइस दे रहा है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ, तो उसको भी एनकरेजमेंट मिलता है जब आप लोग उनके व्यूज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। ओके, यस राजीव, योर व्यू ऑन ट्राइडेंट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ओके, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट 6 रुपए, अराउंड 6 to 7 रुपीज के आसपास का स्टॉक है। राजीव जी, प्लीज अवॉइड कीजिए इस स्टॉक को, कुछ भी नहीं देखना है मेरे को, कुछ भी नहीं देखना है। अब प्लीज टोटली अवॉइड कीजिए इस स्टॉक को और अपने वॉच लिस्ट में से उसको निकाल दो। ठीक है, यस पांडा जी, तुमने लिखा है बैंक निफ्टी का टारगेट, बैंक निफ्टी क्या रहना चाहिए, प्लीज डोंट स्किप। ओके, आपने एक चीज नोट किया है पांडा जी, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर का क्वेरी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ पिछले कई लाइव सेशन से। ठीक है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर भी इंडिविजुअल मेरा एडवाइस दे रहा हूँ। ओके, लाइक वीडियो बना के, लेकिन वो अभी मैंने बंद कर दिया है। तो ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बैंक निफ्टी के ऊपर का मेरा व्यू आपको बताता हूँ। तो बैंक निफ्टी में ट्रेंड टोटली पॉजिटिव है, सो जो भी डिक्लाइन होता है वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। लेकिन अगर आपको मंडे के लिए ही देखना है कि मंडे कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, सो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी बैंक निफ्टी 32,400 के आसपास है, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट यहाँ से गिरता है, लाइक 32,100 के आसपास आता है, सो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। एक चीज मैंने नोट की है दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी में दिवाली के बाद आप 2-3 सेशन छोड़ दो, ये 2-3 सेशन छोड़ दो, तो बैंक दिवाली के बाद जो भी इसके अंदर कामकाज हुआ है वो बहुत ही छोटी रेंज में कामकाज हुआ है, कोई भी डायरेक्शन इसके अंदर है नहीं। और ऊपर जब भी ये स्टॉक जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो उतनी तेजी से नहीं जा रहा। तो क्या हो रहा है, अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपका प्रीमियम वॉश आउट हो जाएगा। सो मत करो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम, पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आप काम करो। ठीक है, सो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स आपको रखना है, लेकिन कहां पर रखना है वो मैंने बताया। मुझे क्लियर कट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है 32,100 के आसपास, अभी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। यस, आने वाले दिनों में आपको नए नए हाईस देखने को मिलने ही वाले हैं, 33,000 भी आपको आराम से बैंक निफ्टी दिख सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखो बहुत ही छोटी रेंज में काम हो रहा है। तो ऐसे इसके अंदर काम अभी मत करो दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे, सर आपने क्वेरी ये मिस कर दी है, ये कर दिया है। देखो, मुझे यहाँ पर आपका क्वेरी सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा ऐसा विजन है कि नहीं, मैं लोगों की हेल्प करूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 24/7 नहीं बैठ सकता। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि अभी मैं जो भी लाइव सेशन करूंगा वो 30 मिनट से ज्यादा वो लाइव सेशन नहीं चलने वाला है, 32 मैक्सिमम 40 मिनट, उससे ज्यादा मैं लाइव सेशन नहीं करने वाला हूँ। और वीक में एक ही बार लाइव सेशन करता हूँ, तो बट ऑब्वियस है कि हर एक का क्वेरी तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो किसी और का क्वेरी भी सॉल्व हो रहा है
तो वो आपके लिए फ्री टिप्स ही है दोस्तों, ठीक है, वो आपके लिए फ्री टिप्स ही है। सो अगर आपको खुद का क्वेरी सॉल्व करना है, खुद इंडिपेंडेंट बनना है, तो खुद काम करो दोस्तों। किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट होके काम करने में कुछ मजा नहीं है, और शेयर मार्केट में तो करना ही नहीं चाहिए। जब आप खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सको, तभी आपको पैसे लगाने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन यही रियलिटी है दोस्तों। मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं पहुंच गया हूँ। मैंने भी 10-12 साल का मैंने भी पीरियड देखा है, और इतने साल का एक्सपीरियंस है उसमें, मैंने बहुत ऊपर नीचे देखा है, बहुत बार ठोकरें भी खाई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अभी शेयर मार्केट को ही मैं छोड़ दूं, ऐसा भी टाइम आया है, लेकिन वो सब गलतियों से मैंने सीखा है और आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। लेकिन सबको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यस, अनदर क्वेरी। चलो, अभी लोग ये बोल रहे हैं ना कि मेरा क्वेरी सॉल्व नहीं हुआ है। आपके लिए एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे सुपर चैट का, डॉलर डॉलर का एक साइन दिख रहा है सबको? प्लीज बताओ दोस्तों, डॉलर का साइन दिख रहा है सबको? आप जहां पर कमेंट टाइप करते हो वहां पर, यस और नो, वहां पर क्लिक करते हो ना, वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सुपर चैट, ठीक है। अब सुपर चैट के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पर पूछ रहा है 40 रुपीज, 50 रुपीज, ये करो, आपका क्वेरी सबसे पहले मैं सॉल्व कर दूंगा डायरेक्टली, सबसे पहले आपका क्वेरी। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है आपको, आपको आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए दोस्तों। और मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है दोस्तों, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसे लगाने ही पड़ेंगे आपको। और जो मैं कंटेंट आपको देख रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो बहुत ही लिमिटेड में दे रहा हूँ, और ये आपको एनकरेज करने के लिए दे रहा हूँ कि मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, और जो लेवल्स देता हूँ आपको, एग्जैक्ट स्टॉक वहां पर आके ही क्यों घूम जाता है, और जहां से मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली क्यों वहां से स्टॉक्स मतलब सेलिंग आता है। लास्ट वीक मैंने जस्ट डायल के बारे में बताया था आपको, लास्ट टू लास्ट वीक जस्ट डायल के ऊपर मैंने क्लियर कट बोला था 598, इस कैंडल का हाई देख लो आप 598, क्यों एग्जैक्टली स्टॉक वहां से गिर रहा है, क्यों एग्जैक्टली वहां से ये स्टॉक्स गिर रहा है, क्यों उसके ऊपर नहीं गया दोस्तों? डॉट लेवल्स मैंने दिए थे 598, क्लियर कट बोला था। आई एम नॉट द ऑपरेटर ऑफ जस्ट डायल, आई एम नॉट द ऑपरेटर ऑफ यस बैंक, यस बैंक के ऊपर भी क्लियर कट आपको बोला था 42 के आसपास बाय करो, अब मूव 100% आएगा, बट मैं ऑपरेटर थोड़ी हूं यस बैंक का। तो यस, आई विल टेक द लास्ट क्वेरी। आईटीसी में अभी कुछ भी नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के लिए है। देखो, आईटीसी में पर्सनली ट्रैक कर रहा हूं, और आईटीसी में आपको बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करना है तभी आप उसके अंदर बाय करो। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए बाय करना है तो मत करो आईटीसी को, ठीक है। यस, आई विल टेक अनदर क्वेरी, लास्ट क्वेरी मैं दे रहा हूं। विनती ऑर्गेनिक परचेस्ड एट 1918, विच लेवल फॉर एवरेज? विनती ऑर्गेनिक, ओके, अच्छा स्टॉक है। तो विनती ऑर्गेनिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, विनती ऑर्गेनिक के ऊपर। 3 महीने पहले का मेरा वीडियो है और किस तरह से मैंने एडवाइस दिया था। तो विनती ऑर्गेनिक में अगर आपको एवरेज आउट करना है तो 1830 के आसपास आता है स्टॉक्स, तो वहां पर डेफिनेटली आप एवरेज आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो करंट मार्केट प्राइस भी आपने बाय किया है, लेकिन विजन आपका थोड़ा लंबे समय के लिए है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है 2100 के आसपास, 2170 से लेके 2100 के आसपास फॉर्मेशन जो भी क्रिएट हुआ है, वहां पर ऐसा लगता है मुझे कि जब भी ये स्टॉक्स बढ़ेगा तो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इस चार्ट का बहुत ही पॉजिटिव है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इस चार्ट का बहुत ही पॉजिटिव है, सो डरने वाली कोई बात नहीं है। और मंथली टाइम फ्रेम पे भी मैं देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। सो लेकिन हाँ, अभी जिस तरह से ये हायर लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, लाइक 2150 के ऊपर का क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिला है, सो हो सकता है थोड़ा टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट करे ये स्टॉक्स, लेकिन स्टॉक बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, सो जो भी लेवल्स बताए हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको बाइंग या सेलिंग करना है। एंड दोस्तों, मैं कई बार पोजिशनल आपको व्यू देता हूँ, तो हो सकता है मेरा लेवल्स आने में 2-4 दिन भी लग जाए, कई बार 8-10 दिन भी लग सकता है, लेकिन जहाँ पे भी मेरे लेवल्स आएंगे एग्जैक्टली वहाँ पर आप लोग बाइंग या सेलिंग करोगे तो वहाँ पर रिस्क बहुत ही कम होता है और स्टॉक का रिवर्सल देखने को मिल सकता है दोस्तों वहाँ पर आपको। तो अगर आपको यही टेक्निकल एनालिसिस और वो सब सीखना है तो मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों, लर्न एंड अर्न। ठीक है, और दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखो, योर आई इज अ बेस्ट इंडिकेटर इफ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आज मेरी आंखों को पता है कि मुझे क्या देखना है। ठीक है, सो यही सब चीज आपको सीखना है तो आप डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हो। एंड ये जो पिरामिड है वो भी आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप लोग नए हो शेयर मार्केट में तो ये रूल के बारे में भी जस्ट गूगल करके एक बार आप देख लेना, 90/90/90 रूल्स। ठीक है दोस्तों, सो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो ये सेशन तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सेशन ये भेजिएगा मेरा। और दूसरी एक चीज दोस्तों, कि आपको भी ये एनालिसिस सीखना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ पर मैं ये जो भी वीडियोस बनाता हूँ उसका अपडेशन आपको देता हूँ कि इस वीडियो में यहाँ पर ये बोला था और अभी ये स्टॉक के अंदर ये हो रहा है। सो आपको जुड़ना हो तो मोस्ट वेलकम, आने वाले दिनों में फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।